के नहीं मिल है। कितना पैसा मिले लो बच के? 1000 महीना में देवे के। 1000 मौजा तो मिलता नहीं है सरकार की तरफ से। हम लोग को कुछ खराब हो जाए खेती बाड़ी तो उसका भी कुछ हम लोग को पैसा कौड़ी मिलना चाहिए। अभी गेहूं भी डाले हैं तो एक इसमें हम लोग को फायदा नहीं है, इसका भी तो कुछ हल होना चाहिए। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। आज हम पहुंचे हैं रांची से 40 किलोमीटर दूर चान्हो प्रखंड के चोरिया गांव में। चोरिया गांव केवल किसानों का गांव है और यहां किसान देश के रीढ़ होते हैं, देश के अन्नदाता होते हैं। और ये अन्नदाता आज अपने खेतों में काम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये काम इनका बिना काम का हो गया। ये बिना काम का इसलिए हो गया कि इनकी सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं, सूख गई हैं, ओलावृष्टि की मार झेल चुकी हैं और अब इन फसलों में कुछ भी नहीं बचा है। ये गेहूं का खेत है और गेहूं के खेत में हम देख सकते हैं कि ये गेहूं का खेत जो गेहूं के दाने हैं वो बिल्कुल खराब हो चुके हैं और किसान अब इसको काट रहे हैं खुद के खाने के लिए नहीं, क्योंकि इसमें दाना नहीं है, ये अपने गाय और भैंस को चारा के रूप में इसको देंगे। तो हम सीधे किसानों से जुड़ते हैं और बात करते हैं क्या कुछ चाहते हैं ये आने वाली सरकार से और कैसी सरकार चाहते हैं, ये हम इन किसानों से जानेंगे, इनकी ही जुबानी जानेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम सिद्धे शाह हुआ। अच्छा, गांव चोरिया हुआ जी। देखिए, हम लोग का समस्या तो ये है कि किसान है, मगर है कि किसान को कुछ नहीं मिल पा रहा है। कोई भी सरकार, कोई भी बैठे जी, कोई भी जीते, कोई उससे बहस नहीं हम लोगों को जी। मगर है कि हम लोगों को DIP मिलती है 1600 रुपये बोरा जी, यूरिया मिलता है 400 रुपये बोरा जी। उसमें हम लोग इतना मेहनत करके लगाते हैं, उसके बाद कभी ऊपर वाले ही साथ नहीं देते, पक्खल मार देते हैं, कभी पानी नुकसान हो जाता है, कभी पानी पटाने के चलते नुकसान हो जाता है, कभी बिजली नहीं रहती है, कभी कुछ रहता है। उसके बावजूद हम लोग यहाँ पर खटत रहते हैं, एक बच्चा से ज्यादा मेहनत करते हैं खेती को, जो बालक बच्चा रहता है उससे जी। अपना बच्चा सुता के कंदवाते हैं हम लोग और खेती के जुड़ल रहते हैं, मगर उसमें हम लोग फिर आता है समस्या कि बच्चा बढ़ जाता है तो उसको भेजेंगे कहाँ स्कूल? हम लोग का पैसा खुद नहीं है तो भेजेंगे कहाँ स्कूल प्राइवेट में? सरकारी में भेजते हैं तो मास्टर है कि अपना लूडो खेलते रहता है हर मास्टर, भले 1 लाख रुपया वेतन उनको मिलता है सरकार की ओर से, मगर सरकार क्या करेगी मास्टर को उतना? या तो मास्टर ऐसे हैं कि मास्टर खुद पढ़ले नहीं है। मतलब एक तरफ से कह लें तो ऊपर से भगवान की मार झेल रहे हैं ये किसान और नीचे सरकार की मार झेल रहे हैं, तो अब इनके बच्चे भी जो हैं वो मास्टर की मार झेल रहे हैं। आप इस गेहूं के खेत में हैं, गेहूं के खेत में क्या कुछ है? ये फसल काट रहे हैं अभी, इतनी देर से काट रहे हैं, क्या हो गया इस फसल? इसमें दाना है नहीं, बनिहार लगाबो करेंगे तो उसको पैसा देने के लिए भी सोचना होगा, और उसके बाद एक भी दाना नहीं है। दिखाएंगे इसको? हाँ दिखाएंगे। ये देखिए, इसमें जरा सा भी कुछ भी नहीं बचा है, एक दाना तक नहीं है, बिल्कुल खाक हो चुका है, ये ओलावृष्टि के मार झेल चुका है। सरकार मुआवजा भी देती है, मुआवजे का भी प्रावधान है, क्या मुआवजा मिला है अभी? हम लोग के कोई मुआवजा कोई अथियन मिला है? हम लोग के दूसरे के खेत में पूरा दोहर में खेतिये रहता है, कोई मुआवजा अभी तक कोई सरकार ऐलान नहीं किया है, तो मिलेगा कहाँ से हम लोग? केंद्र सरकार तो कहती है कि हम देते हैं किसानों को, पैसा देते हैं, राज्य सरकार भी बोलती है कि हम मुआवजा देते हैं। राज्य सरकार खुद अपने चोर है तो दूसरे को क्या देगी, किसानों को क्या दे पाएंगे वो? अभी चुनाव का समय है, अब तो नेता घर घर आ रहे हैं आपसे हाथ जोड़ के वोट मांगने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेता है कि 5 साल में 5 दिन हाथ गोड़ जोड़ के माफी मांगेंगे वो, उसके बाद किसान या पब्लिक को 5 साल उसके पीछे झेलना होता है और कोई चीज देने नहीं पाते है वो, खाली वादा वादे में खत्म हो जाता है। पिछला बार जीत के गए थे तो 5 साल बीत गया, उसके बाद आए कभी बीच में आपसे मिलने? नहीं, बीच में कभी मिलने नहीं आए। बाथरूम दिया है आज तक, बाथरूम बनवाए हैं सरकार ने, मगर आज तक उसका पैसा भरपाई नहीं किए हैं, जो कि हम लेबर को देने नहीं सके हैं अभी तक में।
चलिए, ये स्थिति है गांव के किसानों की, हर तरीके से ये मार झेल रहे हैं। हम एक दीदी हैं, दीदी से भी बात करेंगे। दीदी, चुनाव का समय है, अभी नेता तो घर घर वोट मांगने आ रहे हैं, किसान अन्नदाता होते हैं, चुनाव में जो नेता होते हैं उनके माई बाप होते हैं एक तरह से नेता, जनता क्या कहेंगी, वोट देंगी इस बार? वोट तो देना ही है, वोट नहीं देंगे वो तो हो नहीं सकता है जी। हम लोग मान लीजिए वोट देना अनिवार्य है हम लोग तरफ से जी जी, तो वोट तो है देना ही होगा। नेता से क्या मांगना चाहती हैं, जो नेता आपके चुन के जाए, केंद्र में सरकार बने, जो प्रधानमंत्री के गद्दी पे बैठे, उनसे क्या मांगना चाहती हैं? उनसे मांगना यही चाहते हैं कि हम लोग गृहस्थी हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं, हम लोग को बच्चा को स्कूल में, हम लोग को कम से कम बिजली बिल माफ हो जाना चाहिए और लाइन सही से मिले हम लोग को, खेती कर पाए हम लोग, यही चाहते हैं। और कुछ खराब हो जाए खेती बाड़ी तो उसका भी कुछ हम लोग को पैसा कौड़ी मिलना चाहिए। अभी गेहूं भी डाले हैं तो एक इसमें हम लोग को फायदा नहीं है, इसका भी तो कुछ हल होना चाहिए। अब क्या खाइएगा आप, अब तो फसल सारा बर्बाद हो गया आपका। अब किसी तरह से तो खाएंगे ही, कुछ तो खाना ही होगा, खा के तो रहना ही होगा। पर कर्जा पैसा लेके खाइएगा? हाँ, कर्जा पैसा कुछ भी लेके खा सकते हैं, अब क्या करेंगे, मौजा तो मिलता नहीं है सरकार की तरफ से हम लोग को। चलिए, तो इस बार कैसा नेता चुनिएगा आप कि आपको मुआवजा भी मिले, आप किसानों पे ध्यान भी दे? देखिए, नेता किसी भी तरह से हो, नेता में हम लोग को ये नहीं जानेंगे कि हमको बीजेपी चाहिए, चाहे कांग्रेस चाहिए, चाहे और कोई भी नेता बैठे, अच्छा से चलाए देश और क्या कहते हैं, अच्छा से हम लोग को देखभाल करे, किसान को मदद करे, यही हम तो कह सकते हैं मेरा तरफ से। ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं कुछ और किसानों के पास और उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ है उनकी समस्याएं, खासकर रांची से ये सटा इलाका, जो गांव का इलाका है, ये सब्जियों के लिए जाना जाता है। हम चलते हैं अभी सब्जियों के खेत में, आइए। तो देखिए, अभी गेहूं के खेत से निकलने के बाद हम पहुंचे हैं सब्जी के खेतों में। सब्जी की खेत है ये, आप देख सकते हैं पत्ते गोभी का खेत है, यहाँ पूरा पत्ता गोभी लगा है। इन पत्ता गोभी में भी देखिए कीड़े लग चुके हैं, ये ओलावृष्टि की मार झेल चुके हैं और ये फसल खराब हो रही है। इसमें बिचौलिए ज़्यादातर बाजार में हावी हो जाते हैं और जो किसानों को औने पौने दाम पे वो सब्जियां लेकर चले जाते हैं, लेकिन बेचारे किसान महज ₹3 किलो पत्ता गोभी बाजार में बेचते हैं बिचौलियों के हाथों में, बिचौलिया उसे ₹7 में बेचता है और जब मंडी में पहुंचती है तो ये ₹15 किलो तक हो जाता है, किसानों के हाथ में मात्र ₹3 लगता है। तो हम सीधे किसान से बात करते हैं, नानी है, नानी हाँ। कितना मिला लो? ₹3-2 को भी एक अथी किलो। तो अभी तो चुनाव के समय हो, वोट देभी? हाँ, कैसे देबे, केकरा देबी वोट? अभी जे देता किसान के मदद कुहे देबे, जे किसान के देता मदद करते से कि हम देबे। का कहेला चाहत थी अभी तू, सरकार कैसन सरकार बनेबी? कैसन बनाबे, जे मदद करता है किसान के सब चीज में तबे नहीं। मोदी जी तो कहलौ कि हम ₹2000 भेजते हैं किसान को, मिललौ? हमके नहीं मिल है। कितना पैसा मिललौ बच के? 1000 महीना में देबे लो। 1000? अच्छा, वृद्धा पेंशन मिलल हो 1000? हाँ, 1000 देबे। किसान के फसल खराब हो जालो तो पैसा मिलल हो? नहीं नहीं मिल है, मटर भी चल गेले, हाँ, फूलगोभी भी चल गेले, बंधा भी चल गेले, सब खराब हो गेले। हाँ, तो अभी का करबी, नेता आवल हो वोट मांगे हाथ जोड़ के? हाँ तो देबे, देते ही होले। तो कैसन नेता के वोट देबी? जो नेता देते ही उकरे देबे। अच्छा, जो नेता किसान के ध्यान देते ओके के वोट देबे? हाँ, उकरे वोट देबे। ठीक हो, हम और कुछ किसानों से बात करेंगे। ये महिला किसान, ये काफी बुजुर्ग महिला किसान थी। हम कुछ और किसान हैं, ये पत्ता गोभी का खेत है, देखिए ये जो पत्ता गोभी है पूरा खराब हो चुका है, किसान पैसे पैसे तक के लिए मोहताज हैं। हम आपसे बात करेंगे दीदी, ये पत्ता गोभी कैसे खराब हो गया? ये पत्ता गोभी पत्थर मारा इसलिए खराब हो गया। अब क्या होगा इसका? इसका क्या होगा, सारे थोड़ा सा रुक के बात कर लेंगे। तो अभी चुनाव का समय है, नेता से ये बात नहीं बोलती हैं आप?
कि मेरा सामान खराब हो गया, मेरा खेती खराब हो गया, तो हमको मुआवजा दिलवाइए। गरीब के देते तब नहीं, अमीर के तो देबे देवो लो, गरीब के तो देबे नहीं करो, गरीब के नहीं देवो लो, तभी तो कैसे कह के वोट मार बही जे देते सेकरे मार भाई वोट और का करबे। तो मने अबरी कैसन नेता चुनबे जोन सब के अथी देता हूं सब। अच्छा चलिए, ये बोल रही है इनके भाषा में है कि जो सारे किसानों पे ध्यान दे, जो सारे किसानों को जो बर्बादी हुई है, किसानों का जो फसल बर्बाद हुआ है उस पे मुआवजा दे, कम से कम किसानों पे ध्यान दे, बिजली की व्यवस्था करे, पानी की व्यवस्था करे, खेतों में सिंचाई की व्यवस्था करे। हम सीधे इनसे एक भाई से जुड़ते हैं। भाई क्या करते हैं आपके पापा? खेती बाड़ी। अच्छा, तो किस चीज का फसल लगाए थे इस बार? धनिया, धनिया को भी बढ़िया था नहीं, फसल पक्खल मार के खराब कर दिया था। अच्छा, तो वोट देने जाते हो? नहीं, पहला बार वोट दोगे इस बार? नहीं, उम्र नहीं पूरा है। अच्छा, उम्र नहीं पूरा। स्कूल पढ़ने जाते हो? नहीं जाते हैं अभी। काहे? ऐसे ही छोड़ दिए हैं। काहे छोड़ दिए हैं? ऐसे ही। काहे सब्जी खराब हो गया तो पैसा नहीं है? नहीं, पैसा सब खत्म हो गया। अच्छा चलिए ठीक है। ये देखा आपने, किसानों का जो दर्द है वो खून की आंसू रो रहे हैं। किसान अब कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। वोट तो देना इनके मौलिक अधिकार है, लेकिन इस मौलिक अधिकार का हनन होते दिख रहा है, क्योंकि किसान अब हर महंगाई की ओर मार झेल रहे हैं। यहाँ जो भी इनका फसल लगा है वो बर्बाद होता नजर आ रहा है, और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। जो मुआवजा भी मिलता है वो भी आते आते इनके पास 20% तक ही पैसे पहुंचते हैं। तो ऐसे में किसान करे तो क्या करे, लेकिन चुनाव का वक्त है, वोट देना है, वोट देना मौलिक अधिकार है। अब वोट का प्रयोग कर किसान अपने जन प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, सही चुनाव करेंगे, ताकि इनको मदद मिल सके। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, चान्हो।